प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी कृति समिति की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा पर दस्तक दी। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा गरीब लोग नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी जानकारी आंदोलनकर्ताओं ने दी। भारत वर्ष अपने आप में बहुत बढ़िया है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। ऐसे में नागपुर शहर जहाँ 60 लाख की लोकसंख्या है, आबादी है, जनसंख्या है, मगर आए दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली थी। वो ये योजना उन लोगों के लिए निकाली थी जो किराए के घर में रहते हैं या जिनका अपना खुद का कोई मकान न हो। मूलभूत अधिकार जो आते हैं, रोटी, मकान, शिक्षा और एक छत, छत देने का काम तो बहुत ही बढ़िया इस तरीके से किया गया, मगर अफसोस कि आने वाले दिनों में इन लोगों को काफ़ी उन बातों से प्रभावित होना पड़ा है। ये लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें जो एक 300 या 400 स्क्वायर फीट के जो एक छोटे बहुत जो एक देने वाले तो रूम बांध के वो नहीं दिए जा रहे हैं। आखिरकार ये क्या बात है, आइए तमाम लोगों से जानना चाहेंगे। तमाम लोग आप देख रहे हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, सुबह से ही यहाँ पे डट चुके हैं सरकार से दो हाथ करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। आइए हम सबसे पहले रुके एक महिला से करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। मैम ये बताइए कि किस तरह का ये आंदोलन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? सर गरीबों से घर छीना जा रहा है मेन बात तो, और मार्केट की कीमत हमको बताई जा रही है जो कि शुरू में इनने बताया था, जो लकी ड्रॉ इनने निकाले थे तब जब बोले थे इनने कि 15 साल आपको रेंट वाइज भरना पड़ेगा और स्टार्टिंग में 50,000 दो टप्पों में भरना पड़ेगा, वो बातें इनने पूरी बदल दिए और अभी बोल रहे हैं कि 4 टप्पे में 1-1 महीने में 1.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? टोटल कितना पैसा भरना है, कर्जा कौन दे रहा है? कर्जा सर प्राइवेट बैंक को थ्रू कर दिए इनने, और प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट जो है गरीबों को नहीं पुरा रहा है, तो इसीलिए हमने आंदोलन रखा है आज का कि गरीबों की मांगे पूरी होनी चाहिए। और जो है इनने फ्लैट की कीमत जो है ऑलरेडी बढ़ा दे चुकी है, जो 3.5 और 4 लाख का फ्लैट है अभी ये 6.5 लाख में दे रहे, 11 लाख 11.5 लाख बता रहे, और उसमें भी सब्सिडी दे रहे, बल्कि 6.5 लाख का फ्लैट वो नहीं है, 300 स्क्वायर फीट में उसका गाला है सर, छोटी छोटी रूम है, 300 स्क्वायर फीट का 6.5 लाख में है सर। यही मैंने उस दिन नितिन गडकरी जी से मैंने बोली तो उनने मुझे एकदम इग्नोर कर दिया, मार्केट का रेट मुझे बताया, नाक की कील अपन सोने की पहन सकते क्यों तांबा पीतल की क्यों नहीं पहन सकते, नितिन जी ने मेरे को ये भाषण सुनाया, सुना के मेरे को इग्नोर कर दिया। इसी उसी को बात को लेकर मैंने ये आंदोलन खड़ा किया आज, क्योंकि पब्लिसिटी होना चाहिए, जिनको पता नहीं है वो बैंक फाइनेंस कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं, सामने जाके 25 साल दिए बैंक वालों ने, हाथ है पैर है, भर सकते नहीं भर सकते, बैंक वालों ने सीधा धमकी दी हमको कि अगर आपने एक भी महीने की किस्त अगर थकित कर दी तो आपके घर को सील लगा दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? नीलिमा डोबले। तो आप थे नीलिमा जी जिन्होंने बखुबेर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि बैंक के अधिकारी किस तरह से इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। आइए कुछ लोग और भी है, सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गवर्नमेंट ने जो एजेंडा चलाया था कि सर्वांसाठी घर है, स्वतःली घर है, जो बहुत सारी जनता है नागपुर में 30-40% जो किराए के घर में रहती है, इसमें छोटे तबके के जो लोग है, मजूर है, हाथ ठेले वाले है, काम में घर में काम करने वाले भाई लोग है, पंचर की दुकान वाले, जो बहुत कम जिनका आय होती है महीने की, उनके लिए गवर्नमेंट ने यह स्कीम निकाली। अभी गवर्नमेंट ने स्कीम अगर उन लोगों की निकाली तो उनकी आय को ध्यान में रखते हुए, उनकी मंथली इनकम को ध्यान में रखते उस घर को बनाना था और उतनी कीमत उनसे वसूलनी थी। लोगों ने सरकार ने 3 जगह स्कीम निकाली, वाठोड़ा में, तरोड़ी में और वांजरे में, हर जगह की अलग अलग स्कीम कीमत रखी गई। अब मैं उदाहरण के तौर पर तरोड़ी का अगर बताऊं तो वहां पर फ्लैट का कीमत रखा इन्होंने 6,65,000 रुपया। अगर प्राइवेट बैंक के पास जाते हैं तो प्राइवेट बैंक तो 13% ब्याज दे रही है 20 साल के लिए, अब 13% के हिसाब से 20 साल अगर जोड़ेंगे तो 18 लाख कीमत जा रही है। एक काम करने वाले भाई, एक चपरासी आदमी या एक सड़क पर काम करने वाला मजदूर 20 साल मेहनत करेगा, अपने 6 लाख के फ्लैट में रहेगा, 18 लाख बैंक को देगा, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है लोगों के साथ में। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये सब खेल मचाया है ये बंद करवा किया जाए, जो लाभार्थी है, जो इसके खास जिसके हकदार है, उनको घर जिस कीमत में बोला गया 6,65,000 में दिया जाए, उसी के साथ किसी बैंक को, किसी मीडिएटर फाइनेंस एजेंसी को ना खड़ा करते हुए गवर्नमेंट ने NMRD के द्वारा ये स्कीम है, NMRD ने ही लोगों के इंस्टॉलमेंट, NMRD ने लोगों की, नेशनल बैंक हो या खुद हो, उन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए, सारे लोग अपना अपना 4,000 से 4,500 रुपए का जो किराया भरते उतना ही इंस्टॉलमेंट ये हो NMRD में भरेंगे बिना कोई ब्याज के, लोगों को घर मिलेगा और लोग खुशहाल जिंदगी जियेंगे। सर यदि सरकार आपके मांगों को दरकिनार करती है और आपकी मांगों को पूरा नहीं किया तो
तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति आंदोलन की होगी, हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे और डरेंगे भी नहीं। हम क्या कहना चाहते हो आप? 30 वर्ष तक जो दिया, नहीं, हमारा एक ही कहना है, ये सरकार ने, मोदी सरकार ने जो निकाला है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शहरी गरीबों के लिए निकाला है, और उन्होंने ही कहा है कि इसको हम 30 साल के लीज के ऊपर में आपको ये घर हम आपको दे रहे हैं। तो जब 30 साल के ऊपर लीज के ऊपर जब ये घर दे रहे हैं हमको, तो 30 साल के लीज में हमारे से पैसा भी लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा महीने की 3,000 के आसपास किस्त आती है, हम भरने को तैयार हैं। हम गरीब आदमी जो भी 5-7 हज़ार 10 हज़ार जो भी कमाते हैं, उसमें से 3,000 हम आराम से दे सकते हैं, लेकिन 10,000 महीना वो बैंक वाले मांग रहे, 10,000 महीना नहीं दे सकते। बैंक की 7,000 रुपया आ रही है। 9,000 बोले, नहीं, प्राइवेट बैंक 9,000-10,000 बोल रही है, हमको 9,000 दे। इस तरह के इन लोगों की बातें सुनने के बाद यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो निकाली गई है वो सही मायने में प्रधानमंत्री जी को अच्छा ही काम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको गरीबों को मकान देना ही है, जीवन उनका संवर्धन करना है, मगर जो मकान पाने के लिए जो कामकाज जो किए जा रहे हैं, चाहे बैंक का लोन हो या फिर NIT के जो डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं उसको वेरिफिकेशन हो, वहाँ के अधिकारियों से मिलना हो, ये तमाम लोग ये सब कामकाज कर चुके हैं, मगर हाथ में इनका क्या आया है, कामयाबी हाथ में नहीं है, ये यशस्वी नहीं है, ये पूरी तरह से समर्थ नहीं हो चुके हैं। ऐसे में सरकार इनके ओर ध्यान दे, जिस तरह से आज इनको लोन जो दिया जा रहा है कुछ कंडीशन के ऊपर में दिया जा रहा है, कंडीशन ये है कि अगर ये लोग अगर 3-4 लाख का भी लोन लेते तो इन्हें 12-13 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में जो बैंक है वो अपने आप में, प्राइवेट बैंकों को संभालना ये RBI का काम है, रिजर्व बैंक ये शिखर बैंक है, सब बैंकों की राजा बैंक है, मगर आए दिन जिस प्रकार से ये प्राइवेट बैंकों के लोग जो लूटमार जो शुरू किया है, जो डकैती करते हैं एक प्रकार से, तो और यहाँ के शहर के नागरिकों को जो चूस रहे हैं ऐसे बैंक के खिलाफ, ऊपर के जो शहरी जो शिखर बैंक जो है, रिजर्व बैंक है, उन्होंने पूरा मॉनिटरिंग करना चाहिए, इनके ऊपर में ध्यान देना चाहिए, और गरीब जिए तो जिए कैसे, एक सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए बनाई गई है, लेकिन अब तो ये चित्र दिखाई देता है कि गरीबों को कम और जो पैसे वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये मिलती कि क्या, ये भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में शहर के लोगों ने, उन राजनेताओं ने, चाहे राज्य हो या हो केंद्र, इन तमाम लोगों ने इन गरीबों के ऊपर में ध्यान देना चाहिए और इनके लिए एक समिति बनाना चाहिए, और 3 प्रकार के कैटेगरी में जिस प्रकार से ये जो मकान जिस जगहों पे बनाए जा रहे वहां अलग अलग समितियां बनाना चाहिए और उनका एक पैनल के माध्यम से इन लोगों के साथ में न्याय देना चाहिए। ये महज 300-400 लोग है, ये बात मात्र 300-400 लोगों की नहीं, ऐसे हजारों की तादाद में लोग पूरे शहर भर में है, कुछ लोग आए कुछ इस आंदोलन में नहीं आ पाए, ये सबकी बात एक जैसी है, सरकार इनके ओर ध्यान दे, इनका जीवन संवर्धन करने की उनके मन में जो अच्छी बात है वो पूरी तरह से अमल हो, वरना धाक के 3-5 जैसे ही काम होने जा रहा है, सरकार अपने गिरेबान में जाके उन अधिकारियों के कान पकड़े जो इस प्रकार के इनको जो एक्सप्लॉयटेशन इन लोगों का हो रहा है, गोर गरीब लोगों का जो मरण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ ये भद्दा मजाक ये नागवार है ना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान ने अधिकार दिया है, मूलभूत संविधान से इनको परे रख कैसे सकती, ये देश के नागरिक है, देश के नागरिकों के साथ इस प्रकार का अन्याय अत्याचार होते रहेगा तो देश के नागरिकों का इस राजनेताओं के कामकाज के ऊपर में विश्वास उड़ जाएगा। लेकिन आज लोग अधिवेशन में गए, एकनाथ शिंदे जी से मिले, उन्हें अपना ज्ञापन दिया, अब देखना यह होगा कल का यह आखिरी का अधिवेशन का दिन होगा, अधिवेशन के दिन एकनाथ शिंदे और उनका मंत्रिमंडल, महाविकास आघाड़ी सरकार, ये नागपुर शहर के इन गरीब लोगों के साथ में न्याय देती है या फिर ढाक के 3-5 जैसा काम करते हुए जैसी पहले सरकार ने काम किया कुछ इस प्रकार का ये भी काम करती है क्या, एक देखने वाली बात होंगी। सबसे अंत में यही कहना चाहूंगा, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इंडस्ट्रियल।